हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में कई सारे काम खुद बखुद हो जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक्सेल में कई सारे काम ऐसे होते हैं जो अपने मन से हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग फिल कहते हैं। और यही कारण है कि आज के समय में कई यूजर्स एक्सेल को नंबर वन पसंद मानते हैं अपनी, क्योंकि एक्सेल में काम करना ईजी होता है, ये ईजी टू यूज होती है। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि हाउ टू यूज ऑटो फिल लिस्ट एंड क्रिएट कस्टम लिस्ट। आप ऑटो फिल लिस्ट का यूज कैसे कर सकते हैं और अपनी खुद की कस्टम लिस्ट तैयार कैसे कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सेल कंप्यूटर ऑनलाइन स्टडी में, और चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक। तो अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, उससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में सीखने वाले कि कैसे आप एक्सेल में ऑटो फिल लिस्ट का यूज करके अपना डेटा को बहुत ही सरल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपनी खुद की कस्टम लिस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, आपके बहुत काम आएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। उदाहरण के लिए, इससे पहले वाले वीडियो हमने डिस्कस किया था फिल कमांड। यदि फिल ऑप्शन आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लें। वो वीडियो में हमने फिल की सारे ऑप्शन आपको डिस्कस किए थे सीरीज। उसी प्रकार से यहाँ पे भी कुछ आपको बताते चलते हैं कि एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको डेटा को ऑटोमेटिक फिल करता चलता है। बस आपको उसे पैटर्न बताना होता है कि आपको किस प्रकार से डाटा को फिल कराना है। जैसे आप सीरीज तैयार करते हैं, आपने यहाँ दो लिखा और दो के बाद अब आपको उसको बताना है कि आपको जो सीरीज बनानी है वो दो के बाद कितने नंबर बनानी है। दो के बाद चार, तो हमें इसे बता दिया कि दो के बाद चार ले लीजिए, दोनों को सिलेक्ट करो और दोनों को यहाँ पकड़ लो। अब ये चार चार के अंतर में आपकी सीरीज जनरेट करता जाएगा। देखिए, दो चार छः आठ, दो दो के क्रम में या आपकी सीरीज को जनरेट कर दिया। जहाँ तक आप इसे ड्रैग करेंगे वहाँ तक ये आपकी सीरीज को बनाता चलता है। तो ये हुआ ऑटो फिल लिस्ट। आप ऑटो फिल लिस्ट को और भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ छोटी सी देखिए, अभी कितना बढ़िया काम करता है एक्सेल। हमें यहाँ पे दो लिखा, इस बगल वाले कॉलम में तीन लिखा, इसके बगल वाले कॉलम में चार लिखा, उसके यहाँ पांच, उसके बगल से छह और उसके बगल से सात और उसके बगल से आठ। चलिए, टेबल हमने यहाँ तक लिख ली, नाइन तक, आप चाहें तो टेन तक लेती। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम उसे बता देंगे कि हम यहाँ पे टेबल जनरेट करना है। तो दो के बाद अब हम चाहते हैं कि जो दूसरी रो है वो सब में डबल करते, यानी उसकी जो वैल्यू हमने ऊपर वाली सेल में लिखी है उन सबकी दुगनी यहाँ पे लिखे। जैसे दो की दुगनी चार और छः, तीन चार दुनी आठ, पाँच दुनी दस, छः दुनी बारह, सात दुनी चौदह और आठ दुनी सोलह, नौ दुनी अठारह और दस दुनी बीस। बस आपको उसे बताना है कि आपको किस प्रकार से वैल्यू को फीड कराना है। अब आप देखिए कितना बढ़िया काम करेगा एक्सेल। अब आप दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, बस आप यहाँ से इनको ड्रैग करते जाइए और यहाँ से आपकी ये टेबल जनरेट हो गई। तो इस तरह से बहुत बढ़िया काम होता है। ये तो थी ऑटो फिल लिस्ट। अब आप कहोगे तो एक्सेल केवल नंबर पे ही काम कर सकता है, तो जी नहीं, एक्सेल नंबर पे ही नहीं, एक्सेल टेक्स्ट पे भी काम करता है। तो चलिए हम टेक्स्ट पे भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास मैंने यहाँ पे कुछ मंथ्स लिख रखे हैं। जैसे देख रहे मंथ्स के नाम लिखते हैं, जनवरी। अब हम चाहते हैं कि जनवरी भी टू दिसंबर हमें फिल करना है, बस आप यहाँ से ड्रैग कर लीजिए और यहाँ से फिल कर दीजिए। अब ये एक्सेल ने कैसे किया, तो ये एक्सेल ने अपनी कस्टम लिस्ट से किया है। अब अगर आप इसी का सॉर्ट में लेना चाहें तो इसके पास सॉर्ट में भी है। आप यहाँ से सॉर्ट में लेना चाहें तो यहाँ से देखिए जैन हमने लिखा, हम जैन टू दिसंबर हमें लेना है, तो ये देखिए इन्हें यहाँ कर दिया। और यहाँ पे आप संडे मंडे भी ले सकते हैं, यानी वीक्स डे। आप यहाँ पे इनको सिलेक्ट करिए और यहाँ तक आप ले लेंगे तो ये भी हो जाएंगे। आप सॉल्ट में लेना चाहें तो बस आप सॉल्ट में भी ले लें, यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ तक ड्रैग कर दें, अब ये सॉल्ट में आपको दे देगा। अब आप इसको पैटर्न बता दें तो ये और भी कमाल का काम कर सकता है। आप चाहते हैं कि आपको एक एक महीना छोड़ के लेना है, जैसे जनवरी के बाद फरवरी नहीं लेना, मार्च लेना है, मार्च के बाद फिर अप्रैल नहीं लेना, मई लेना है। तो जिस प्रकार से आपको लेना है उसको यहाँ पे पैटर्न बता दें कि आपको किस प्रकार से अपनी ऑटो फिल लिस्ट को तैयार करना है। तो यहाँ पे हम उसे बता देते हैं, हमें पहला महीना जनवरी चाहिए, दूसरा हमें मार्च चाहिए। तो इस प्रकार से आप उसे बता दीजिए तो एक एक महीने के अंतर में आपकी लिस्ट यानी आपकी टेबल को जनरेट कर देगा। देखिए, जनवरी के बाद फरवरी उसने नहीं लिया, हमने उसे बताया था कि मार्च लो एक एक महीने का गैप करके। मार्च के बाद अप्रैल उसने छोड़ दिया, मई ले लिया, मई के बाद जून छोड़ दिया, जुलाई ले लिया। तो इस तरह से आप उसे बता दें कि एक्सेल में किस प्रकार से काम करना पड़ता है। ये तो थी बात, आप यहाँ पे देख रहे हैं जनवरी है, फरवरी है, संडे है, मंडे है, ये तो था उनकी जो एक्सेल ने तैयार करी उसकी कस्टम लिस्ट से। अब कस्टम लिस्ट कैसे तैयार की जाती है तो हम यहाँ पे बता दें कि कस्टम लिस्ट बनाने के लिए भी आप बहुत ईजी है बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि उसके लिए आपको जाना है एक्सेल ऑफिस बटन पे, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सेल ऑप्शन। बस आप एक्सेल ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ पे आपको मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट, बस आप इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे ये देखिए जो जो यहाँ पे फीड है वो आपको यहाँ पे दे रहा है। अब आप वीक डे यहाँ पे हैं, आपके मंथ्स नेम,
आपके यहाँ पे फुल मंथ नेम आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोई नई लिस्ट बनानी है तो यहाँ से न्यू लिस्ट में जाकर के बना सकते हैं। हम चलिए नई लिस्ट बना लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमें बार बार सभी नाम टाइप ना करना, सचिन, अमित, नेहा, राजेश, तो यहाँ पे हम कुल इतने नामों को यहाँ से ऐड करा लेते हैं। ये देखिए ये नाम इनकी एक्सेल की कस्टम लिस्ट में ऐड हो गए हैं। और सिंपल आप यहाँ से उसे ओके कर लीजिए और यहाँ से इसको भी ओके कर दीजिए। अब आप कोई भी नाम यहाँ पे डाल दीजिए, जो नाम आपने दिया था शुरू में, लीजिए हम यहाँ पे देते हैं सचिन। बस आप यहाँ से इसको बार बार आपको सारे नाम ना लिखना पड़े तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट ड्रैग करिए। अगर वो नाम आपके उसमें कस्टम लिस्ट में ऐड होंगे तो यहाँ पे फिल हो जाएंगे। तो देखिए एक्सेल ने कितनी जल्दी आपके सारे नामों को यहाँ पे फिट कर दिया है। आप चाहें तो ये नामों को बाहर से लिख करके भी उसे इम्पोर्ट कर सकते हैं, तो हम बाहर से भी दिखा देते हैं। हमने सी टू पे कुछ नाम लिख रखे हैं, हम चाहते हैं कि ये एक्सेल अपनी कस्टम लिस्ट में इन नामों को फीड कर ले। तो बस आपको ऑफिस बटन पे जाना है, एक्सेल ऑप्शन पे जाना है, एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक छोटा ऑप्शन मिलेगा आपको इम्पोर्ट का। बस आप इम्पोर्ट बटन पे बाद में क्लिक करें, पहले आप अपनी ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करिए। जैसे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सेशन आ रहा है, यानी आप अपना रेंज डाल दें, यानी जितनी रेंजों में आपने नामों को लिख रखा है वो रेंज यहाँ सेलेक्ट कर लें। कुछ इस प्रकार हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, वो रेंज यहाँ पे आ गई है। बस आप ड्रॉप डाउन मेन्यू को फुल स्क्रीन पे ले आएं और बस आप सिंपली यहाँ से इम्पोर्ट कर लें। जैसे आप इम्पोर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे वो नाम आ चुके हैं। बस आपको सिंपली यहाँ से ओके करना है और यहाँ से इसको भी ओके करना है। अब आप कहीं पे भी हमें नामों को डिलीट कर देते हैं। अब हम दोबारा से लिखते हैं राहुल और यहाँ पे आप इसे पकड़ के जब ड्रैग करेंगे ये सारे नामों को फीड करता चलेगा। अब ये रही बात, क्या ये शुरू के केवल नामों को ले सकता है? तो जी नहीं, आप ये बीच के भी किसी नाम को लेकर के ड्रैग करा सकता है। यदि आपको कोई एक नाम याद है और आपको शुरू का नाम नहीं याद है तो आप उसे बता सकते हैं, तो सारी लिस्ट को आपकी जनरेट करता चलेगा। तो इस प्रकार से ये आपके लिए ऑटोफिल और कस्टम लिस्ट तैयार करता चलता है और ये आपके लिए इजी टू यूज होता है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त फ्रेंड्स, बाकी समझेंगे अगले टर्न में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।